आज की म्यूजिक क्लास में हम राग भैरव का परिचय, आरोह अवरोह पकड़ तथा कुछ उसके अलंकार सीखेंगे। भैरव को गाना सीखना शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका परिचय जान लेते हैं। राग भैरव अपने ही नाम के थाट से बना हुआ राग है, भैरव थाट से, क्योंकि इसमें रे तथा धा कोमल है, शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। राग भैरव संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है, क्योंकि इसके आरोह तथा अवरोह दोनों में ही सात सात स्वरों का प्रयोग हुआ है। इसका वादी अर्थात मुख्य स्वर धैवत धा है और संवादी स्वर रे यानी ऋषभ है, और गायन समय इसका प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग का गायन समय है, इस कारण इसकी प्रकृति गंभीर है। तो आइए आरोह अवरोह पकड़ हम पहले इसका सीखेंगे। सा रे समझने के लिए और अभ्यास करने के लिए हम ताल में इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि संगीत में ताल का बहुत महत्व है। कुछ अलंकारों को तीन ताल में हम गाएंगे। धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन सा करके इसके स्वरों का और अभ्यास करेंगे। थैंक यू।